education with moral values, the only institution with our latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, झांसी रोड मऊरानीपुर। झांसी के चिरगांव में अक्सर कुछ नामचीन बदमाश क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन पुलिस इन लोगों पर औपचारिक कार्रवाई करके छोड़ देती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। झांसी के चिरगांव में सड़क छाप गुंडों के आतंक से आम जन परेशान है। यह लोग छोटी छोटी बात पर लोगों को तमंचा दिखाकर दहशत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन पुलिस इन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती और नतीजा वही होता है जो बीते रोज हुआ और इस पूरी घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। घटना बीते रोज की है, जब कुछ सड़क छाप बदमाशों ने इकट्ठे होकर दहशत फैलाने का काम किया। पीड़ित युवक नीलेश शिवहरे ने बताया कि उसका लोडर वाहन है, जिससे उसने आरोपी युवक महेंद्र दांगी का कुछ काम किया था। इसी बात के पैसे मांगने जब वह उसके घर गया तो नीलेश और महेंद्र के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद आरोपी दबंग युवक अपने साथियों के साथ नीलेश शिवहरे के घर आधमका और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद नीलेश ने घर की छत पर जाकर आरोपियों पर गमले फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से भाग निकले, लेकिन यह सारी घटना नीलेश के दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये महेंद्र दांगी नाम का लड़का है जी, जो कि बेदीपुरा मोहल्ला निवासी है जी, और बिराटा गांव का रहने वाला है, इधर भी रहता है, तो ये क्रिमिनल टाइप का है। क्या हुआ है आपके घर पर? हमारे घर पे आए और हमें जान से मारने की धमकी दी और फायर करने लगे। लगभग कितने फायर किए आपके घर पर? इनके पास एक तो हमने जिंदा कारतूस मिल गया हम लोगों को बाहर, और तीन कारतूस तो गले गलाए मिले 3 से 15 के, जो कि हमने दरोगा जी को दे दिए थाने में। पूरी घटना की जानकारी दरोगा जी को भी बता दी हमने, तो ये सीधे मेरे ऊपर फायर करने लगा और वो तो मैं इससे बच के छत पे पहुंच गया जी। तो छत पे पहुंचा तो ये छत से ही फायर करने लगा, तो हमने उधर से अपने बचाव के लिए कुछ गमले बमले फेंके। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? पुलिस को हमने पूरी घटना की जानकारी दे दी है और पुलिस उसके घर पे भी गई है, और मतलब पुलिस उसको पकड़ने के चक्कर से अपनी गाड़ी के पैसे लेने दिए, हमारी लोडिंग गाड़ी है, 2-3 दिन पहले तो हम इसके घर पे 2,000 रुपए करीब थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दबंग ने नीलेश के घर पर दबंगई से ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग भी दहशत में आ गए। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अब कार्यवाही की बात कह रही है। आपको बता दें कि यह दबंग युवक पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, इसका चिरगांव में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, लेकिन फिर भी पुलिस इन सड़क छाप गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। यह लोग आम जनता को परेशान करते हैं, लेकिन अब जनता को इंतजार है कि कब कोई ऐसा पुलिस अधिकारी आए जो इन लोगों को जेल पहुंचाए। चिरगांव से नजमा आब्दी की रिपोर्ट।